पहले उत्तर प्रदेश और अब गुजरात में टिकट वितरण में भाजपा ने जो फॉर्मूले अपनाए हैं, पार्टी ने उन्हें सफल माना है। इस फॉर्मूले से राजस्थान में कई भाजपा विधायकों और नेताओं के माथे पर बल पड़ गए हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन राज्यों के फॉर्मूले से ही टिकट बांटे तो 200 सीटों पर 95 से 100 तक चेहरे बदल सकते हैं, यानी 2018 की टिकट सूची वाले 100 नाम कट जाएंगे। वहीं 71 में से 20-22 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। साथ ही 10,000 से अधिक वोटों से हारने वाले 75 से 80% नेताओं के टिकट पर भी कैची चल सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में 29 नेता 10,000 से कम अंतर से हारे थे, इनमें से भी अधिकतम 90% को टिकट मिलेंगे, जबकि 10,000 से अधिक अंतर से हारने वाले नेताओं की संख्या 95 से अधिक थी, जिनमें से 80% के चेहरे बदले जा सकते हैं। हालांकि प्रदेश भाजपा में 5-7 बड़े चेहरे ऐसे भी हैं जिन पर पैरामीटर का असर नहीं होगा। गुजरात की अगर बात करें तो भाजपा ने 50% से ज्यादा विधानसभाओं में चेहरे बदले थे और इनमें विधायक, मंत्री और पूर्व प्रत्याशी भी शामिल थे। बात हिमाचल की करें तो 20% विधायकों के टिकट यहां काटे गए थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी टिकट वितरण में सख्ती का फॉर्मूला सफल माना गया, क्योंकि योगी सरकार रिपीट हुई। अब टिकट वितरण का पैरामीटर क्या रहा, चलिए ये भी देख लीजिए। 10,000 से अधिक वोटों से हार, यानी वर्किंग, फिटनेस, उम्र को ध्यान में रखकर टिकट। ज्यादा उम्र वालों को यहाँ प्राथमिकता नहीं मिलेगी। टिकटों में रिश्तेदार, भाई भतीजावाद, वंशवाद को तरजीह नहीं दी गई। राजनीति में नए चेहरों, इनमें भी प्रोफेशनल पर खास जोर दिया गया। ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया। राजस्थान में आसिंध, पीलीबंगा सहित 10 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा प्रत्याशी की हार का अंतर 1,000 से कम वोटों का रहा है। भाजपा की तुलना में कांग्रेस को 1,70,000 वोट अधिक मिले थे, यानी सिर्फ 0.5% का ही अंतर था। अरुण सिंह, प्रदेश प्रभारी भाजपा का ये कहना है कि टिकट वितरण में आगे भी यही देखा जाएगा कि जिताऊ कौन है, कौन उम्मीदवार ऐसा है जो 100% उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उम्र या कमियां और खूबियां सब बात की बातें हैं।